A ball falls on a floor with a velocity u. If coefficient of restitution is e, then find the speed of ball just after collision. तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फ्लोर है जिस पर एक बॉल है जो u स्पीड से आ रही है, और फ्लोर का जो कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो e है. तो आपको स्पीड बॉल की बतानी है आफ्टर कोलिजन क्या होगी. मैंने वो v मान लिया. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें e दिया होगा और वेलोसिटीज दी होंगी, तो हम ऐसे क्वेश्चन में e की इक्वेशन यूज़ करेंगे. और e की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. लास्ट की वीडियोस में मैंने इस चीज़ को कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख लें अगर नहीं देखा है आपने. तो e की वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो e इक्वल्स टू, आप देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है बिफोर कोलिजन, u स्पीड से फ्लोर को बॉल अप्रोच कर रही है, तो मैंने नीचे लिख दिया u. और आफ्टर कोलिजन जो सेपरेशन वेलोसिटी है वो v है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया v. तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू आ जाएगा e इंटू यू. ये मेरा फाइनल आंसर होगा. अच्छा, इस रिलेशन को आप याद रखेंगे कि अगर फ्लोर पर कोई बॉल यू स्पीड से टकराती है तो आफ्टर कोलिजन कितनी स्पीड से ऊपर जाएगी, ई इंटू यू. ये वाला रिजल्ट आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखें.